आज आपको चक्रा कैंडल्स के बारे में बताता हूँ। पहले चक्रों के बारे में बताऊँ। कुंडलिनी जागरण के लिए 7 चक्रों को जागृत करना पड़ता है। योग, हठ योग ये उसका पार्ट है। रेकी में भी इसको माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें तो कलर के अंदर, थेरेपी के अंदर आता है। तो ये 7 तरह की देखो कैंडल्स हैं, ये 7 कलरों की कैंडल है, क्योंकि हर चक्र जो होता है वो एक रंग का होता है। तो आप जब चक्र जागृत करने के लिए मेडिटेशन करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की कैंडल को जलाएंगे। जैसे चक्र आप देखो तो हम सबसे पहले शुरू करें तो उसको बोलते हैं रूट चक्र। इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो इसके लिए रेड जेस्पर स्टेबिलिटी के लिए होता है, फाउंडेशन के लिए होता है। तो ये हमारी गुदा द्वार के पास ही होता है। तो इसके लिए स्टोन होता है, वो स्टोन इसके अंदर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो पहला चक्र ये होगा। तो उसमें आपने कैंडल कौन सी जलाओगे? रूट चक्र की जो कैंडल होगी सबसे फर्स्ट कैंडल होगी, और सबसे फर्स्ट कैंडल जो होगी वो ये होगी रेड वाली, और मंत्र होगा लम। सेकंड पे आते हैं, सेकंड को हम लोग बोलते हैं सैक्रल चक्र। ठीक है, क्रिएटिविटी का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, सेल्फ स्टीम का होता है। तो कैमिलियन स्टोन जो है इसके लिए यूज़ होता है, वो स्टोन इसके अंदर है। इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। ये स्वाधिष्ठान चक्र के टाइम आपने पहले लाल जलाई थी लम के लिए, अब आप जलाओगे ऑरेंज, और मंत्र होगा वम। तीसरा जो चक्र है उसको बोलते हैं सोलर पैलेस चक्र इंग्लिश के अंदर। इन्होंने अपने नाम इंग्लिश वालों ने दे दिए हैं, पर हिंदी से ही दिए गए हैं, संस्कृत से मणिपुर चक्र कहते हैं इसको। और इसके लिए जो स्टोन है वो सिट्रीन है, और सिट्रीन यहाँ पे है, देखो सिट्रीन हमने येलो कलर का स्टोन होता है वो देना है। ये अबंडेंस के लिए होता है, इमोशनल बैलेंस के लिए होता है, और चक्रा क्लीनिंग क्लिंजर के काम करता है। और आपको कैंडल यूज़ करनी है पीली, और जो मंत्र यूज़ करना है वो है रम। फोर्थ जो चक्र है वो जागृत करते हुए हार्ट चक्र है। ग्रीन एवेंट्यून पत्थर होगा, हीलिंग एबेंडेंस और ग्रोथ के लिए होगा। जो फोर्थ चक्र है उसको हम अनाहत चक्र कहते हैं संस्कृत में। और उसके लिए जो कैंडल होगी वो होगी ग्रीन, स्टोन भी ग्रीन होगा, और मंत्र होगा यम। अब हम आते हैं थ्रोट चक्र के लिए। थ्रोट चक्र जो है उसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। वो सोडालिटी पत्थर है, हार्मोनी हीलिंग और कम्युनिकेशन के लिए है विशुद्धि चक्र के लिए। और उसके लिए जो ये है वो है ब्लू कलर का, आपको यूज़ करनी है कैंडल, और नाम रखना है हम। अब आते हैं हम लोग सिक्स चक्र के लिए, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं इसको। और हिंदी में जो इसका नाम है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो लगभग पर्पल इसको आप बोल सकते हो। एमेस्थलिस स्टोन आता है, नीलम का उपरत्न होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। और ये प्रोटेक्शन, प्योरिफिकेशन और स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन के लिए होता है, ये वाला आप यूज़ करोगे। और मंत्र है ओम। और लास्ट चक्र है क्राउन चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले वाला था आज्ञा चक्र, इसके ऊपर जो लास्ट चक्र है वो सहस्त्रार चक्र है। जो स्टोन है वो क्लियर क्वार्ट्स है, और जो हीलिंग एनहेंसिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए लास्ट चक्र तक आप पहुंच गए अगर, तो ये पर्पल कलर का, लगभग उस पहले वाले से हल्का है ये थोड़ा सा, लालिमा लिए। और मंत्र है इसका भी ओम। तो अगर आपको 7 चक्रों को जागृत करना है तो आपको पर्टिकुलर नीचे से शुरू करना है, रेड कलर की कैंडल जलानी है, मंत्र यूज़ करना है लम, और लम का आपको जाप करना है, ज़मीन पे बैठ जाना है, और ज़मीन पे बैठकर आपको इसका जाप करते हुए जो है ध्यान करना है। ऐसे धीरे धीरे करते करते जब आपका पहला चक्र जागृत हो जाए तो फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे करके 7 चक्रों को जब आप जागृत कर लोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल बन जाओगे, करोड़ों में एक बन जाओगे आप। धन्यवाद।